किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज की जो वीडियो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे अक्सर जो हमारी ये गाय हैं, जो हमारे पशु हैं, जैसे हम जो भी खिलाते हैं और उसके बाद जो ये गोबर करते हैं, तो वो गोबर किस प्रकार का कर रहे हैं। जैसे हमारी गाय है और उसका गोबर, गोबर में अनाज फेंक रहे हैं, हम खिला रहे हैं और वो अनाज उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो सारा अब इस गोबर के अंदर निकाल रहे हैं। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि जो पशु है वो गोबर में दाना क्यों फेंकते हैं, किन कारणों से पशु गोबर में दाना फेंकते हैं, और जो गोबर है वो उनका बदबू मारता है, और मतलब कि गोबर में ये इस प्रकार की गंदगी फेंकना ये किस वजह से होता है। तो आज आपको वही बताएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी गाय को प्रॉपर खिला रहे हैं, अनाज जो खिला रहे हैं वो गलाकर खिला रहे हैं और प्रॉपर तरीके से खिला रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारी गाय है जो वो गोबर में अनाज फेंक रही है, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उन्हीं कुछ रीज़नों के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कभी बाहर से भी गाय लाए, हमारे घर की भी गाय है, कोई से भी पशु है, हमने यदि उनकी टाइम पर डीवॉर्मिंग नहीं की तब भी पशु गोबर में अनाज फेंकेगा। और उसके बाद आप इन्हें अगर लीवर टॉनिक नहीं खिलाएंगे तो भी पशु अनाज फेंकेगा, क्योंकि वो प्रॉपर उसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और जैसे जो हमारी गाय है यदि प्रॉपर जुगाली नहीं करेगी खाने के बाद कि इसने अनाज ये सारी चीज़ें हमने जो भी इन्हें फीड वगैरह खिलाई है वो खाई नहीं है, खा ली है और उसके बाद जो उसकी जुगाली नहीं की है, तो वो जुगाली नहीं करेंगी तो भी वो गोबर में अनाज फेंकेंगी। और कई बार ऐसा होता है, पहले क्या होता था कि पशुओं को जो हम खाने की फीडिंग वगैरह देकर थोड़ा घुमा फिरा लेते थे और उससे पशु आराम से रिलैक्स होकर जुगाली वगैरह कर लेता था, पर आजकल ऐसी सुविधा ही नहीं है कि हम पशुओं को बाहर घुमा सकें। अब 24 घंटे इन्हें एक ही जगह पर बंधना है, उसके बाद खाना है, और फिर प्रॉपर अगर जुगाली नहीं करेंगे तो उससे भी जो इनका अनाज है वो सब कोटे में फिकाएगा और फिर उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जो पशु का बॉडी वेट है वो गिरने लग जाएगा। आज हम क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा दूध की लालच में पशुओं को जो प्रॉपर जो जैसे उन्हें सूखा चारा और जो हरा चारा है वो मिलना चाहिए वो प्रॉपर दे नहीं पाते, हम ये सोचते हैं कि हम इन्हें फीड ज़्यादा खिलाएंगे तो फीड खिलाने से इनका दूध बन जाएगा। तो दूध तो बनेगा पर क्या होगा, इनका रूमन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जैसे यदि हम भी खाना खाते हैं तो केवल हम बस रोटी रोटी खा लेंगे और हम सब्जी नहीं खाएंगे, तो केवल रोटी से हमारी पूर्ति नहीं होगी क्योंकि सब्जी भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो वैसे ही इनके लिए सूखा चारा और हरा चारा वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, और ग्रीन मैटर ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं खिलाते, केवल फीड ज़्यादा खिलाएंगे तो जो इनका रूमन है, जो कहते हैं ना कि अंदर छोटा पेट होता है वो उसे रूमन कहते हैं, वो रूमन इनका डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि पशु एक बार तो खूब दूध दे देगा उससे, पर जो दूध की क्वालिटी है मतलब जो हम फैट वगैरह बोलते हैं वो गिर जाएगी। उसके बाद फिर पशु एक बार अच्छा दूध देगा और उसके बाद धीरे धीरे जब इसे प्रॉब्लम आने लग जाएगी इसके रूमन में, तो ये जुगाली करना बंद कर देगा और जो भी अनाज है वो पचेगा ही नहीं इन्हें और वो गोबर में फेंकने लग जाएगा, तो फिर मिल्क प्रोडक्शन है जो उसकी भी कमी आएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी और फिर धीरे धीरे जो पशु का बॉडी वेट है वो भी गिरने लग जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि पशु जो गोबर में अनाज फेंकता है उसका ये भी एक कारण है, जो हमारा हम दूध की लालच में जो पशुओं को ओवर फीडिंग कर देते हैं वो एक कारण है। और उसके बाद डीवॉर्मिंग पे आते हैं कि समय समय पर पशुओं की डीवॉर्मिंग जरूर करिए, यदि डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो जो हम अनाज इन्हें खिला रहे हैं वो इनके जो पेट के कीड़े हैं वो खा जाएंगे, और वो पेट के कीड़े जो खाएंगे वो खाएंगे और बाकी इन्हें डाइजेस्ट भी नहीं होगा वो अनाज, और फिर ये पोटे में फेंकेंगे, और पोटे में फेंकने से फिर वही मिल्क प्रोडक्शन की कमी, पशु का बॉडी वेट गिरना, ये सारी चीज़ों की समस्याएं आएंगी और इसके बारे में हमें पता ही नहीं पड़ेगा। तो इन सब से बचने का एक ही इलाज है, जैसे यदि आपका पशु है जो गोबर में अनाज फेंक रहा है या गोबर उसका पतला हो चुका है, तो सबसे पहले आप देखिए कि फीड उसे क्या खिला रहे हैं। यदि आप प्रॉपर फीड खिला रहे हैं तो आपने डीवॉर्मिंग कब करी है, और डीवॉर्मिंग भी कर दी है उसके बावजूद अगर आपका पशु गोबर में अनाज फेंकता है तो उसके लिए आप हफ्ते में उसे दो बार मीठा सोडा खिलाइए,
और हो सके तो रेगुलर ही उसे मीठा सोडा भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये अपना लीवर टॉनिक खिलाइए, अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक। और यदि कोई पशु आपका ऐसा है कि आप उसकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं उसके बाद भी उसका गोबर पतला है या सुखला फेंक रहा है पोते में या फिर अनाज फेंक रहा है, तो उसके लिए आप जो मार्केट में मेडिकल पे आराम से अवेलेबल हो जाएगा जो रूमन का पाउडर होता है, रूमी केयर है और बहुत सारे पाउडर होते हैं जो रूमन के लिए काम करते हैं, तो आप वो लाकर अपने पशु को उसके जो फीड है उसके अंदर मिलाकर खिलाइए प्रतिदिन। उसकी बॉडी वेट के हिसाब से आप मेडिकल पे पूछ लेंगे तो आपको मेडिकल वाला बता देगा कि कितना खिलाना है, तो आप ये चीज़ खिलाइए तो उससे भी उसका रूमन अच्छे से काम करने लगेगा। और जो दिक्कत आ रही है कि जो चारा वगैरह वो ढंग से जो हजम नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे से उसको प्रॉपर पचने लग जाएगा। डीवार्मिंग करिए, यदि डीवार्मिंग नहीं करेंगे तब भी ऐसी समस्याएं आएंगी। जो गोबर में बदबू आती है वो डीवार्मिंग के कारण ही होती है और डीवार्मिंग भी आपको प्रॉपर करनी है। जैसे मान लीजिए आपने एक बार डीवार्मिंग करी तो डीवार्मिंग करने के बाद भी आपके पशु को यदि पेट में कीड़े होंगे तो उसका गोबर बदबू मारेगा क्योंकि वो प्रॉपर जो दवाई है उसने उसका असर नहीं करा है। तो इसके लिए आप जैसे आप 3 महीने में यदि डीवार्मिंग करते हैं और यदि प्रॉपर उसकी डीवार्मिंग नहीं हो पाई है तो आप जिस टाइम दी है उससे ठीक 1.5 महीने बाद फिर से उसकी डीवार्मिंग कर दीजिए तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे जो पहली गोली खिलाने के बाद उसे असर नहीं हुआ था तो वो दूसरी गोली खिलाने के बाद असर हो जाएगा, पर जब नेक्स्ट बार आप उसकी डीवार्मिंग करेंगे तो उसे किसी अच्छी गोली से डीवार्मिंग करिए क्योंकि आप जो पहले ट्राई कर चुके हैं उससे कुछ असर नहीं हुआ तो उससे अच्छी गोली से ट्राई करिए। गोलियाँ आ चुकी है तो इस समय में हो सके तो अपने पशु को जो फीडिंग है वो बिल्कुल लाइट वेट कराइए, मतलब हल्का भोजन, जैसे हम गर्मियों में हल्का भोजन खाते हैं उसी प्रकार से अपने पशुओं को भी हल्का भोजन कराइए। इन्हें हल्की चीज़ खाने में दीजिए, ज़्यादा हैवी चीज़ इन्हें खाने के लिए मत दीजिए क्योंकि गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। तो गोबर में सुखला और अनाज जो पशु फेंकता है तो सबसे बड़ी वजह इनका जो रूमन डिस्टर्ब होता है ये उसी वजह से होता है। तो सबसे पहले आप इनके रूमन की केयर करिए, जो जैसे जो आपको मैंने बताया कि पाउडर आप दीजिए वो पाउडर खिलाइए, वो पाउडर खिलाने से 100% फ़ायदा होता है। जो गोबर में ये जो पशु जो अनाज वगैरह फेंकने लग जाता है ये पाउडर खिलाने के बाद वो सारी चीज़ें बंद कर देता है, मतलब प्रॉपर उसका गोबर क्लीन हो जाता है। और पशु को हो सके तो केवल 2 बार उसकी जो खाने का टाइम है वो 2 बार का रखिए, पूरे दिन खिलाना नहीं है। जैसे पशु को हम खिलाते हैं तो उसे खाने के बाद जुगाली करना भी बहुत ज़रूरी है, यदि वो जुगाली नहीं करेगा तो सारा जो खा रहा है उसका 50% से ज़्यादा तो वो गोबर में निकाल देगा, तो जो आप खिलाई है वो कोई काम की नहीं रह जाएगी, मतलब आपको प्रोडक्शन भी कम मिलेगा और आपका पशु भी ख़राब होगा पीछे से। तो इसलिए हो सके तो पशु को प्रॉपर उसकी टाइमिंग खिलाने की रखिए और उसे जुगाली करने का भी समय दीजिए। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करते हैं कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाया करिए, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है इसलिए माफ़ी चाहते हैं कि जब भी हमें समय मिलता है, क्योंकि हमारा खुद का भी डेयरी फार्म है और फिर इसे मैनेज करना, इसे चलाना, तो समय नहीं मिल पाता है। समय मिल जाता है तब वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं, पर हो सकेगा तो ट्राई करेंगे कि रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर द वॉच।